दुआ भी हमेशा करेंगे, पाकिस्तान के लिए और अफ्रीका के लिए करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ्रीका जिंदाबाद, और जीतेगी, जीतती रहेगी इंशाल्लाह। दिस इज आवर टीम, और हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो फिर आपके सामने है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मैच है साउथ अफ्रीका का और न्यूजीलैंड का, और पाकिस्तान के लिए बड़ा वाइटल गेम है। वो ऐसे कि अगर न्यूजीलैंड मैचेस अपने आज का मैच, फिर पाकिस्तान से मैच है, श्रीलंका का जो मैच है, तो तीन मैच मुसलसल अगर हारेगा और पाकिस्तान अपनी बाकी दोनों मैच जीतेगा, तो फिर पाकिस्तान का चांस है कि सेमीफाइनल में जा सके। बहुत नंबर वन टीम है, और मैं यही कहूंगा कि कल का जो मैच इनको हर हाल में हारना चाहिए, जीतना चाहिए सॉरी, तो फिर ही पाकिस्तान के चांस बनेंगे। अगर आप ना जीते तो भाई पाकिस्तान जिनको गंदे अंडे पड़ने, इतने वो गंदे अंडे पड़ने को याद करेंगे भाई, लोगों ने तैयारी कर ली हुई है अंडों की। बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, मीरपुर 2011 क्वार्टर फाइनल, 2015 का सेमीफाइनल, उसके बाद 2019 बर्मिंघम के अंदर जो मैच हुआ था लीग स्टेज का। बेशक न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया अफ्रीका को, लगातार मैचेस जीत रहा न्यूजीलैंड अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप सिचुएशन के अंदर, लेकिन इन दोनों के मैचेस बड़े मजे के होते हैं। लेकिन अगर आज न्यूजीलैंड मैच जीत जाता साउथ अफ्रीका से, तो कल भी हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि अब नेट रन रेट की सूरत हाल ऐसी है कि सेम पॉइंट्स पे आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान कंपीट कर पाएगा विद न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। इंशाल्लाह देखें अफ्रीका, जब अब दुआ है कि टीम आगे जाए और अफ्रीका जीते, और सबकी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आगे जाए, लेकिन ये थोड़ा सा पहले हमें सोचना चाहिए, क्योंकि कोई बात नहीं, हर वर्ल्ड कप मैच होता है और हर इवेंट में हमारा पड़ा। अगर कल न्यूजीलैंड से किसी तरह जीत जाता है तो पाकिस्तान के लिए थोड़े से और चांसेस और बरकरार हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि कल साउथ अफ्रीका मैच जीत सकेगा? या साउथ अफ्रीका भी टीम बहुत अच्छी है, और जिनका साथ न्यूजीलैंड की बात करें टीम वो भी बड़ी अच्छी है। अच्छा, तो 50-50 चांसेस हैं टीम। अगर आपको याद हो जो सेमीफाइनल हारे थे, एबी डिविलियर्स की आंखों में आंसू थे, मोनी मोर्टल की आंखों में आंसू थे, इसी के साथ आपको फ्यू नाइट पहले अगर आपने रग्बी का वर्ल्ड कप का फाइनल भी देखा हो तो इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान में साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप जीत लिया था कुछ ही दिन पहले की। और साउथ अफ्रीका ऑलरेडी दे हैव 10 पॉइंट्स, तो पाकिस्तान अब उनको पॉइंट्स पे तो पीछे नहीं छोड़ सकता। न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट है, अगर न्यूजीलैंड अपने बाकी सारे मैच हारेगा तो 8 पे रह जाएगा, और पाकिस्तान अगर बाकी के 2 मैच जीतेगा तो 10 पे जा सकता है। वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड हारता है तो पाकिस्तान के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। क्या अफ्रीका जीत पाएगी? जीत पाएगी, क्यों नहीं, उनमें जज्बा है, उनमें ताकत है, वो जीत जाएगी। आए सदके पाकिस्तानी बड़े अफ्रीका के, मैं अभी भी भाई दुआएं करके आया हूं, अफ्रीका जो है ना जीत जाएगी, जीत जाएगी। अगर हम बात करें पाकिस्तान के चांसेस की, हम तो दुआ यही करेंगे साउथ अफ्रीका जो है ना भाई कल का मैच आप विन करो हर हाल में, कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में आने के चांसेस बढ़े। अगर तो कल न्यूजीलैंड जीत जाता है तो फिर समझो भाई पाकिस्तान पैकिंग करेगा अपना बोरा बिस्तरा और पाकिस्तान आएगा। अगर बात करें तो न्यूजीलैंड अपने लगातार 2 मैचेस हारकर आ रही है, पहला मैच इंडिया के हाथों हारे, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारे, ये दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। तीसरी जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही टीम का नाम है साउथ अफ्रीका, जो कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब इनके पास एक स्ट्रॉन्ग चांस है कि न्यूजीलैंड को हरा दे, न्यूजीलैंड अपने 2 मैचेस हारा है, अगर आज वाला मैच भी न्यूजीलैंड हार जाता है तो न्यूजीलैंड के लिए, तो न्यूजीलैंड अच्छी तगड़ी साइड है और बड़ी अच्छी क्रिकेट भी खेल रही है। उस दिन ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, लेकिन आपने देखा 388 के जवाब में वो 383 तक पहुंच गए। इंडिया से भी हारे हैं वो, लेकिन बीच में मैच के ऐसे मोमेंट जरूर आए कि जब इंडिया के क्रिकेट फैंस भी बोलेंगे यार ये गड़बड़ हो गई। दुआएं पे चलोगे? दुआएं पे चलूंगा। ओ भाई अगर न्यूजीलैंड जीतगी तो? नहीं कभी नहीं, हो ही नहीं सकता कि जीत पाएगी, नहीं हो सकता, उनमें इतनी ताकत ही नहीं कि वो जीत जाएगी यार। फुल कॉन्फिडेंस पाकिस्तानियों का जागे एक बार में। मैं अभी भी वही दुआ कर रहा हूँ कि अफ्रीका जो है ना जज्बे से खेलेगी और जीतेगी इंशाल्लाह। तो ये है कि यार परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने बहुत गंदी दी है, अब इसी मैच पे कुछ बेहतर लगी है, नीदरलैंड के खिलाफ जीते हैं, उसके अलावा हर मैच हारे हैं, जलील और खुआर हुए हैं, और वैसे भी इजमानुल हक देखो उन्होंने रिजाइन दे दिया है। क्यों दिया है कि यार पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रही। देखो जब कोई बच्चा गलत काम करता है या जलील होता है तो माँ बाप पे बात जाती है ऐसे। और अगर बात करें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पाकिस्तान पूरा चाहता है कि आज साउथ अफ्रीका ही जीते। बेशक साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो लास्ट मैच था वो बड़ी मुश्किल से जीता, अगर साउथ अफ्रीका आज का मैच वो वाला हारा होता तो साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा मुश्किल होता क्वालिफाई करना, क्योंकि साउथ अफ्रीका को फिर ये वाली गेम अगली गेम में सारी जीतनी पड़ती। लेकिन क्योंकि वो एंड के ऊपर केशव महाराज की वजह से जीत गए मैच, अब साउथ अफ्रीका थोड़ा रिलैक्स है। वेरी सॉरी रिजवान अहमद साहब, आई फील लाइक दैट न्यूजीलैंड इज विनिंग टुडे, और हालांकि केन विलियमसन ऑलमोस्ट नहीं है, फर्गुसन नहीं है, बट आई फील लाइक दैट कि साउथ अफ्रीका में देखिए बैट्समैन कम है और उनके पास
जो कहते हैं ना टुल्ले ज्यादा, ठीक है महाराज इज गुड और मकरम इज गुड, बट क्लासन डूसन डीकॉक ये सब बुमा कर जाए तो कर जाए। देखें जी पाकिस्तान के कहते हैं 25 करोड़ आवाम की दुआएं हैं कि न्यूजीलैंड हारे, वैसे कहते हैं जी पाकिस्तानी आवाम ना हर टीम के लिए ना दुआएं करती है जी फलान जीते जो उनकी अच्छी होती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान बाहर ये होगा कि न्यूजीलैंड के लिए दुआएं करेगा जी न्यूजीलैंड हारे पाकिस्तान आगे जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड एक अगर साउथ अफ्रीका से जीत जाती है तो न्यूजीलैंड आगे पहुँच गई। वनडे की चीज़ हो रही है तो नाम बीच में आ गया, पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया, अब जब बड़ी टीमें जीत रही हैं तो पाकिस्तान के चांसेस बन रहे हैं, अब बाकी टीमें भी कहती होंगी यार पाकिस्तान के चंगे लोग हैं यार हम हमारी जीत पे और हार पे कह रहे पाकिस्तान आगे आए, तो खुद पर प्रॉमिस है उनके लिए तो इतना कोई खास मैच भी नहीं है, लेकिन ये मैच हमारे लिए बहुत खास है, हम यानी पाकिस्तानियों के लिए खास है। जैसे कि आप सब जानते सिनेरियो आपको एक्सप्लेन किया बार बार, अगर न्यूजीलैंड हारते तो अगला मैच पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड का, और पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा न्यूजीलैंड को हराए तभी पाकिस्तान का चांस बनेगा, पाकिस्तान भी हरा देता है फिर न्यूजीलैंड के पास सिर्फ एक ही मैच बचेगा जिसके अंदर वो 10 पॉइंट कर सकता है, और वो श्रीलंका वाला मैच, तो वो बड़ा खतरनाक मैच हो जाएगा, अगर जीतेगा तो 10 पॉइंट हो सकते हैं हारेगा तो बाहर हो जाएगा। डूसन क्लासन ये मिलर ये सारे तेज खेलते हैं, तेज 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 और पता नहीं चलता, महाराज बहुत नीचे आता है थोड़ा बहुत अगर जरूरत हो जैसे पाकिस्तान के खिलाफ वो निकाल दे। आई फील लाइक न्यूजीलैंड के पास जो कॉनवे अभी तक एक आना के 100 आया बट इज नॉट अप टू द मार्क द स्टैंडर्ड्स जो हम देख रहे थे वर्ल्ड कप।